صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قرآن كريم کے 23वें पारे सूरत यासीन के दूसरे रुकू के चंद आयात हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस सूरत शरीफा में बहुत ज़्यादा अजमत और बरकत रखी है। हदीस में आता है, फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, लिकुल्ली शैइन क़ल्बुन व क़ल्बुल क़ुरआन सूरतुल यासीन औ कमा क़ाल। फरमाया कि हर चीज़ का दिल होता है, हर चीज़ के अंदर एक कलब होता है। कुरान करीम का दिल और कलब सूरत यासीन है। हदीस में आता है, फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो आदमी फजर की नमाज के बाद सूरत यासीन की तिलावत किया करे, बेशुमार फरिश्ते उस दिन की अगले दिन की सुबह तक उसकी हिफाजत करते हैं। इरशादे ग्रामी है मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जो आदमी हमेशा इस सूरत को पढ़ता रहे, कयामत के दिन शहीदों के साथ उठाया जाएगा। इरशाद है मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अगर एक मर्तबा कब्रिस्तान में खड़ा होकर कोई शख्स महज अल्लाह की रजा के लिए दिखलावा ना हो, बदले में पैसा टका लेना मकसूद ना हो, लालच ना हो, हिरस ना हो, तमा ना हो, सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए जिस कब्रिस्तान में खड़ा होकर सूरत यासीन कोई अल्लाह के लिए पढ़कर बख्श दे, हुजूर फरमाते 40 दिन का अजाब तमाम मुर्दों से उठा लिया जाता है। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो आदमी चाहता है कि मुझे जिंदगी में भूख कभी ना आए, वो सूरत यासीन की तिलावत किया करे। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, जो आदमी चाहता हो दुश्मनों से हिफाजत हो, वो सूरत यासीन की तिलावत किया करे। हिजरत वाली रात में जब चारों तरफ दुश्मन छाए हुए थे, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह मियां ने उस वक्त भी हुक्म दिया, मेरे महबूब चलते चलो, सूरत यासीन पढ़ते चलो, तमाम दुश्मनों से हिफाजत हो जाएगी। फरमाया, जो आदमी चाहता हो मैं अपने मुकदमे में कामयाब हो जाऊं, उसे चाहिए कि वो सूरत यासीन पढ़ के दुआ मांग के कचहरी की तरफ जाया करे।
इशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, जो आदमी चाहता हो मेरे कारोबार में तरक्की हो, मेरे कारोबार में बरकत हो, मेरे कारोबार में वसअत हो, मेरे धंधे में फराखी हो, हुजूर फरमाते हैं उस आदमी को चाहिए कि अपने कारोबार की जगह बैठकर हर सुबह को सूरत यासीन की तिलावत किया करे। गर्ज़े की बड़ी अजमत वाली सूरत है, बहुत ही बुलंद मर्तबा सूरत है, मुसलमानों की इस तरफ तवज्जो नहीं, बेकदरे लोगों के पल्ले कुरान करीम पड़ गया। अगर किसी और कौम के पास होता तो खुदा जाने वो कितनी अजमत करते। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर अल्लाह पाक ने कुरान करीम नाजिल फरमाया, उसमें बेशुमार सूरतें ऐसी रख दी जो बीमारियों से भी हिफाजत के लिए हैं। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, जो आदमी चाहता हो मैं हमेशा तंदुरुस्त रहूं, बीमारियों से बचा रहूं, उसे चाहिए कि सूरत यासीन तिलावत किया करे। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, जो आदमी चाहता हो मैं अपनी मुराद को पहुंच जाऊं, मैं अपनी मकसद में कामयाब हो जाऊं, मैं अपनी मंजिल मकसूद को पहुंच जाऊं, उसे चाहिए कि सूरत यासीन का वजीफा बना ले। इसी सूरत शरीफा में अल्लाह पाक ने तीन पैगंबरों का जिक्र फरमाया। कौम जब सरकश हो जाती है, जब बदमाशी फैल जाती है, जब कौम के बड़े और छोटे लोफर हो जाएं, फिर हिदायत के रास्ते गायब हो जाते हैं, दिमाग काम नहीं करता, सलाहियतें सलब हो जाती हैं, जमीर मुर्दा हो जाता है, ईमान का दिवालिया निकल जाता है। ये कौम थी बिगड़ गई, उबाश हो गए, बदमाश बन गए, अहकाम खुदाबंदी से बगावत शुरू कर दी। अल्लाह पाक ने एक नहीं दो नहीं तीन पैगंबर इकट्ठे करके भेजे। वगरिब लहुम मसलन असहाबल करिया, ऐ मेरे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इस अपनी कौम के सामने, अपनी बरादरी के सामने, अपनी उम्मत के सामने, इन लोगों के सामने जो कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन लोगों के सामने उन तीन पैगंबरों का जिक्र करो, उनके वादे को दोहराओ जो बस्ती वालों के पास आए थे। वगरिब लहुम मसलन असहाबल करिया, बस्ती वालों के पास पैगंबर चल के आए, अल्लाह के नबी टूर के आए, सफर तय करके आए। इजा अहल मुरसलून, इज अरसलना इलैही मुस्नैन फकज़्ज़बूहुमा फअज़्ज़ज़ना बिसालिसिन फकालू इन्ना इलैकुम मुरसलून। तीनों पैगंबरों ने हिदायत की बात रखी बस्ती वालों के सामने, देहात वालों के सामने, खूह वालों के सामने, करिया और बस्ती वालों के सामने हिदायत की बात रखी, अल्लाह के नाम की तबलीग की। लोगों तौहीद से मुनहरिफ ना हो जाओ, शिर्क की बीमारी में डूबो मत, कुफर की बीमारी में गरक ना हो जाओ, तबाही आ जाएगी। हम अल्लाह की पैगंबर हैं, अल्लाह के नुमाइंदे हैं, अल्लाह के बरगुजीदा बंदे हैं, खुदाबंद आलम ने हमें हुक्म दिया कि हम जा करके तुम्हें समझाएं। जब कौम का जमीर मुर्दा हो जाए, जब कौम के छोटे बड़े मर्द औरत बदमाश हो जाए, तबलीग असर नहीं किया करती, बल्कि यूं जवाब दिया करते हैं, इदा तुतला अलैक वमा युकज़िबु बिही इल्ला कुल्लु मुतदिन अज़ीम, इदा तुतला अलैहि आयातुना काला सातीरुल अव्वलीन। पहले नबियों की कहानियों वाली किताब है,
किस्सों वाली किताब है, लतीफों की किताब है। कभी कौम समूद की बात बताता है, अल्लाह मियां फरमाते हैं ओ जालमो बाद आ जाओ, मैं वो खुदा हूँ जिसने कौम समूद को बर्बाद कर दिया, कौम आद को तबाह कर दिया, कौम सबा जो इतनी मजबूत थी 500-500 मन का पत्थर एक एक हाथ में लेके फेंक के मारा करते थे। फरमाया मुझे अपनी किबरियाई की कसम, जब मैंने उनको बर्बाद करना चाहा कोई ना बचा सका। तुम्हारी क्या हस्ती है, तुम्हारी क्या पोजीशन है, तुम किस खेत की मूली हो, तुम किस बाग के पत्ते हो, तुम्हारी तो हस्ती कोई नहीं। अल्लाह के पैगंबर करीब खड़े हैं, तीन पैगंबरों ने नसीहत फरमाई, वाज फरमाया, तबलीग फरमाई। आगे से कौम के लोग कहने लगे, बरादरी के लोग कहने लगे, औलूमा अंतुम इल्ला बशरुन मिसलुना, नबी ना नबी, पैगंबर ना पैगंबर, रसूल ना रसूल, और तुम तो आदमी हो हम जैसे। झूठ बोलते हो, तुम पैगंबर नहीं हो, तुम नबी नहीं हो। औलूमा अंतुम इल्ला बशरुन मिसलुना, तुम तो आदमी हो हम जैसे। वमान तलर रहमान मिन शई इन अंतुम इल्ला तकदिबून, खुदा ने तुम पे कोई किताब नाजिल नहीं की, अल्लाह ने तुम्हें कोई कानून नहीं दिया, अल्लाह पाक ने तुम्हें साबता तरीका हयात देकर के नहीं भेजा, यूं ही फरेब करते हो। तुम नबी नहीं, तुम रसूल नहीं, तुम पैगंबर नहीं। अल्लाह के पैगंबर फिर बोले, आलू रब्बुना यालम इन्ना इलैकुम लमुरसलून, ओ लोगो मान जाओ रब्बे अकबर की कसम, हम उसकी पैगंबर हैं, हम अल्लाह के नबी हैं, उसके नुमाइंदे हैं, उसी ने हमें भेजा है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, मानो ना मानो तुम्हारी मर्जी, हमने अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया। एक दूसरे मकाम पे आता है, कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरा, ओ लोगो हमने तुमसे पैसे नहीं मांगे, टके नहीं मांगे, रोटी नहीं मांगी, खाना नहीं मांगा, पानी तुमसे नहीं मांगा, इन हुआ इल्ला ज़िक्रा लिल आलमीन, हमने अल्लाह वास्ते तबलीग की है, अल्लाह की रजा के लिए तुम्हें अल्लाह के अहकाम बताए, अल्लाह मियां की तौहीद बताई, मानो ना मानो तुम्हारी मर्जी। मैंने कहा ना कि जब कौम बिल्कुल बिगड़ जाए फिर पैगंबरों की बात नहीं सुनती, इस बात को मैं तस्लीम करता हूं। आप लोग बैठकों में, मकानों में, घरों में बैठ कहते हैं कि मौलवियों की जुबान में, आजकल उलामा की जुबान में, मुकर्रीन की जुबान में, खतीबों की खिताबत में तासीर नहीं रही। चलो मैं मानता हूं कि इसकी वजह बदअमली होगी, हमारी जुबान में तासीर नहीं, लेकिन जब इनकार करने पे लोग आते हैं पैगंबरों को ठुकरा रहे, तीन पैगंबर सामने खड़े और बार बार कह रहे हो लोगों हमने तुमसे कुछ मांगा नहीं, ठगी नहीं करते, फरेब नहीं करते, लेना देना कुछ नहीं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, हमने दीन पहुंचा दिया, हमने अल्लाह का दीन पहुंचा दिया, अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया, नहीं मानते तुम्हारी मर्जी। अब चाहिए तो ये था, तवज्जो करो, ध्यान करो, चाहिए तो ये था कि रसूलों की बात मानते, पैगंबरों की बात मानते, अंबिया की बात को मानते। और बड़े बड़े चौधरी कहने लगे, ये रसूल बने फिरते हैं, ये नबी बने फिरते हैं, ये पैगंबर बने फिरते हैं, जल्दी करो इन्हें पकड़ लो, खबरदार वापिस ना जाने पाए। आलू इन्ना तत्यरना बिकुम लइन लम तंतहु लनर्जुमन्नकुम वलयमस्सन्नकुम मिन्ना अज़ाबुन अलीम। चारों तरफ से जवान इकट्ठे हो गए, पैगंबरों को पत्थर मारने लगे।
जिसने भी दीन की बात की, जिसने भी समझाया, जिसने भी नसीहत की, उसको मार खानी पड़ी। इन पैगंबरों से दुश्मनी कोई नहीं। अगर ये फरेब करते, अगर ये वली बनकर आते, अगर ये बुजुर्ग बनकर आते, अगर ये शिर्क वाले रास्ते से आते, खुदा की कसम लोग इनकी पूजा करते। सूरत यासीन अल्लाह का कुरान पाक है, जाओ तर्जमों तफसीरों में कभी देख लिया करो। पैगंबरों को चारों तरफ से मारने लगे। لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ। चले जाओ यहां से, वरना तुम्हें ऐसा अजाब देंगे तुम याद रखोगे। नबियों को कह रहे हैं, जब खोपड़ी बिगड़ती है ना, जब मगज में कीड़े पड़ते हैं, फिर यूं ही बकवास हुआ करती है। अब रमजान में नहीं बकवास करते रहे। ओ मियां, तुसा जन्नत भी तो चले जाए, साको दोजख काफी है। दिखा नहीं ना, देख लेता तो ऐसी बात कभी ना करता। बतेरी खुराफात बकी, बतेरी बेअदबी की, बतेरी तौहीन की रमजान मुबारक की। अब क्या है उनका, लानत भरी जिंदगी गुजरेगी सारे साथ। जिसने नसीहत की लोग उसी के पीछे लगे, उसी की बुराई की। तुम नहीं जानते, हम जानते हैं इसे, इसके ऐबों का हमें पता है। जिसने अल्लाह का कुरान सुनाया लोग, अरे अरे, और नबी तो और नबी रहे, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुजूर ने इरशाद फरमाया, अल्लाह की राह में अल्लाह के तौहीद की वजह से, अल्लाह के कुरान की वजह से मेरे सारे बदन पर उंगली रखने की गुंजाइश नहीं है जहां पर दुश्मनों के हाथ का पत्थर ना लगा। किसको नहीं मारा? नूह अलैहि सलाम को मारा, मूसा अलैहि सलाम को मारा, शुआइब अलैहि सलाम को मारा, इब्राहिम खलीलुल्लाह को मारा, बीबी को बादशाह ने छीन लिया, मजबूरन वापस की। किसको नहीं मारा पैगंबरों में से? आज अगर लोग उलामा की तौहीन करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दाढ़ी का मजाक उड़ा ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता, रमजान की बेअदबी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो उन कमीनों की औलाद है जिन्होंने काली कमली वाले को मारा। ये उन बदमाशों की नस्ल चल रही है अबू जहल और अबू लहब की। मुसलमान ऐसा नहीं कर सकता। एक गुना करे और एक सीना जोरी, अगर थोड़ा सा भी ध्यान हो मरने का, कभी नहीं आदमी ऐसी बात कर सकता। हमने बड़ों बड़ों को लगते देखा, जब टाइम आया तो यूं ही लग गए, खड़े खड़ाए लग गए, बैठे बिठाए लग गए। इसलिए कहता है, खुदा जाने ये दुनिया जलवागाह नाज है किसकी, खुदा जाने ये दुनिया जलवागाह नाज है किसकी, हजारों उठ गए लेकिन वही रौनक है मजलिस की। दुनिया आबाद है, लोग चले गए, आ रहे हैं, जा रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं। हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, खुदा ही निजाम है। एक के घर में लड़का पैदा हो रहा है, एक सेरा बांध कर जा रहा है, बाजा बज रहा है, दूसरी तरफ से देखो तो जनाजा उठा के आ रहे हैं। एक घर में खुशियों की कमी नहीं, दूसरे घर में मातम है, बच्चे यतीम हो गए। तो कुरान करीम कहता है, कहने लगी पैगंबरों को अजाब दो, इन्हें मारो। वो कहने लगी, कालू तौइरुकुम माकुम इन जुकिर तुम बल अन तुम कौम मुशरिफून। लोगों ने एक बात कही, कहने लगे, हाँ अभी पता चला है, हम भी कई साल बारिश क्यों नहीं हुई, ये इन तीनों की नहुसत की वजह से बारिश नहीं हुई। अपने गुना, अपने ऐब, अपनी शामत आमाल, अपनी रूसियाही अल्लाह के पैगंबरों के गले डालते हैं। अपने ऐबों पे नजर करनी छोड़ दी। जब कौम को खुद भी नहीं ना रहे, अपने आप को देखना बाकी ना रहे। इसलिए मजसूब ने बड़ी अच्छी बात कही, कहता है, बजाहिर तो हर शय में बेहद सफाई,
बज़ाहिर तो हर शय में बेहद सफाई, मगर दिल में है गंदगी इंतहाई। बैठक देखो कितनी साफ सुथरी है, मकान देखो कितना साफ सुथरा है, सहन देखो चहल पहल है, शक्ल देखो तो सुर्खी पाउडर में कितनी चमकीली है, कपड़े देखो तो कितने आला दर्जे की है, आंख देखो कितनी खूबसूरत है, पेशानी देखो कितनी चमकीली है, खुदा की कसम कलेजा चीर के देखो दिल बिल्कुल काला है। क्या बने इस बोजीनत का, क्या बने इस मकान का, क्या बने इस बैठक का, जबकि अपने खामिन के सिवा गैरों से आंख लड़ाती हो। और कितना मलून है वो मर्द जो अपनी बीवी को छोड़कर औरों के पीछे भागा फिरे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया, जो आदमी किसी की बेटी से, किसी की बहन से, किसी की बीवी से बदकारी करता है, हुजूर फरमाते हैं वल्लदी नफ्सी बियदी मुहम्मद, फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तक उसकी बेटी के साथ कोई जिना ना कर लेगा उसकी मौत ना आएगी, जब तक उसकी बहन के साथ कोई बदमाशी ना कर लेगा उसकी मौत ना आएगी, जब तक उसकी बीवी के साथ कोई बदमाशी नहीं कर लेगा उसकी मौत ना आएगी। बज़ाहिर बड़ा खुश होता है, मैंने फला जगह हाथ मार लिया, शिकार मेरे हाथ लग गया, तुझे मालूम नहीं कि तेरे पीछे कितने शिकार खिल चुके होंगे। तज़किरतुल औलिया में लिखा है, एक बुजुर्ग के वाकयात में लिखा है कि वो मिस्कीन थे, फकीर थे, एक दरवाजे पे जाके सवाल किया, औरत खैरात देने आई तो उसका हाथ पकड़ लिया, शरीफ औरत थी, उसने कहा तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ा, तुमने मेरे हाथ को हाथ क्यों लगाया, वो कहने लगा अपने खामिन से पूछियो। उसने कहा कमाल है, हाथ पकड़ा तुमने, हाथ लगाया तुमने, पूछो खामिन से, कहने लगा हाँ हाँ, अगर वो नहीं बताएगा तो कल मैं इसी वक्त आऊंगा बता दूंगा। उसने कहा अच्छा, शाम को आए मियां साहब, उसने कहा खाना पकाओ, मुझसे नहीं पकता, चाय बनाओ, उसने कहा मेरे से नहीं बनती, मुझे पानी पिला, उसने कहा उठ के खुद पी ले, उसने कहा बात क्या है, क्यों कर रही हो, कहने लगी ये बताओ उस फकीर ने मेरा हाथ क्यों पकड़ा, वो कहने लगा कमाल है, तूने पकड़वाया उसने पकड़ा मुझे क्या पता, कहने लगी नहीं नहीं वो आएगा या तू बता दे, अगर तू बता देगा तो तेरे घर रहूंगी, और फकीर के बताने पर अगर पता चला तो मैं नहीं रहूंगी, ये मेरा तेरा वादा है, वरना तू मुझे बता कि फकीर ने मेरा हाथ क्यों पकड़ा। उसने बतेरा ही समझाया बुझाया, शाम से रात आ गई, मगर वो न सोती थी न सोने देती थी, कहती थी बार बार बताओ उसने मेरा हाथ क्यों पकड़ा। जब रात गुजरने लगी तंग आके कहने लगा बता कैसा वक्त था, वो कहने लगी तकरीबन दिन के 12 बजे होंगे, फिर कहने लगा भगवान उस वक्त मैंने भी किसी की बेटी का हाथ पकड़ा हुआ था। यहां कभी सौदा नकद भी हो जाता है हमें पता नहीं चलता, इसलिए पैगंबरों की बात को लोग ठुकरा रहे हैं। पैगंबर कह रहे हो लोगों हमारी नहुसत नहीं, हम अल्लाह के बरगुजीदा बनते हैं, अल्लाह मियां के भेजे हुए रसूल और पैगंबर हैं। इन्ना इलैकुम लमुरसलून, और देखो हमने तुम्हें तबलीग किया, तुमसे मांगा तो कुछ नहीं, आए कैसा वक्त होगा, कौम ने चारों तरफ से अल्लाह के नबियों को घेर रखा है, मारो मारो ही नहीं। पैगंबर अल्लाह के बंदे बीच में खड़े हुए कहते हैं औलू ताइरुकुम माकुम अइन ज़ुकिरतुम बल अंतुम कौमुन मुसरिफून, हमें ना मारो खुदा का अज़ाब आ पड़ेगा, खुदा का कहर आएगा, तुम बर्बाद हो जाओगे, मारे जाओगे, तुम्हारी नस्लें मिट जाएंगी, तुम्हारी जड़ें बर्बाद हो जाएंगी, ना मारो। बिगड़ी हुई कौम, बिगड़े हुए लोग, लोफरी पे उतरे हुए हैं, बदमाशी पे उतरे हुए हैं, कमीनापन पे उतरे हुए, नहीं मानते,
قرآن مجید ذکر کرتا ہے بچارہ ایک لوہے کا کام کرنے والا لوہار جس کو کہتے ہیں وہ دیکھ رہا تھا اس حالت کو اپنا ہتھوڑا ہاتھ میں اٹھائے کھڑا تھا دور کھڑا تھا جب دیکھا کہ عجیب و غریب شکلوں والی کو لوگ مار رہے ہیں نبیوں کو مار رہے ہیں وجاء رجل من اقصی المدینہ یسعى اس علاقے کا ایک لوہار دوڑا ہوا آیا اور آ کے کہنے لگا کیوں مارتے ہو تمہارا کیا بگاڑا تمہارا کیا لیا نقصان کیا کیا تمہارا آخر مارتے کیوں ہو اور وہ پیغمبر اور وہ آدمی آنے والا کہنے لگا قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون تم سے کچھ مانگا ہے کہ نہیں روٹی مانگی نہیں پانی مانگا نہیں پھر مارتے کیوں ہو کہ یہ ہمیں تبلیغ کیوں کرتے ہیں ہمیں یہ سمجھاتے کیوں ہیں ہمیں یہ اللہ کی توحید کیوں بتاتے ہیں وہ کہنے لگا میری قوم باد آ جاؤ پچھلے نبیوں کو جن لوگوں نے مارا ان کی نسلیں مٹ گئیں ان کی جڑیں مٹ گئیں وہ برباد ہو گئے اگر تم نے نبیوں کو مارا تم سے ہستی سے مٹا دیا جاؤ گے تو ہے بگڑا ہوا کھوپری ہے خراب ہوئی ہوئی مزاج تباہ ہو چکے ہیں کہنے لگے اچھا یہ چلا یہ اپنا چلا چیلا جو ہے یہ پہلے بھیج رکھا تھا ادھر آج کل بستی میں جو آدمی بیٹھ کر یوں کہہ دینا کہ بھی علماء کو گالیاں نہیں دیا کرتے اللہ او دیکھ رکھا ہے تو مولویوں کا چمچا ہے تو اسلام کا چمچا ہے اللہ کرے ہم سب کو دین احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم بنائے اور یہ جو بکواس کرتے ہیں اللہ پاک یا ان کو ہدایت دے اگر مقدر میں ہدایت نہیں تو خدا برباد کر دے اس غریب نے آ کے بات کی کہ میری بات سنو تم اسے کیا لیا تمہارا کیا بگاڑا کیا نقصان کیا تمہارا کیوں مارتے ہو پیروی کرو ان کی کامیاب ہو جاؤ ان کا کہنا مانو یہ آسمان سے وحی لے کر آئے ہیں اللہ پاک کا پیغام لے کر آئے ہیں خدائی نظام لے کر آئے ہیں اس نے کہا اچھا 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 تجھے جانتے ہیں ہم تو پہلے ہم میں آ کے بیٹھا ہوا ہے چیلا ہی نہیں کہا ان کا ہی چیلا وہ کہنے لگے ان نبیوں کو تو پھر دیکھیں گے پہلے اس چیلے کو لے لو پہلے اسے لے لو آئے ہائے ہائے چاروں طرف سے اس کے جمع ہو گئے اور لگے پتھر برسانے اتنا مارا اتنا مارا کہ آخر کار ختم ہو گیا حق کی حمایت میں ختم ہو گیا پیغمبروں کی حمایت میں ختم ہو گیا جنتیوں کی حمایت میں ختم ہو گیا اللہ کے رسولوں کی حمایت میں ختم ہو گیا اور قرآن کریم کہتا ہے جب اس کا آخری وقت آیا تو کہنے لگا وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اے کاش تم جان لیتے یہ ہدایت لے کر آئے تھے اللہ کا پیغام لے کر آئے دین و ایمان کی بات لے کر آئے خداوند کریم کا قانون لے کر آئے اگر تمہیں یقین آ جائے کہ تم سب نے مر جانا ہے اگر تم یقین کر لیتے اتخذ من دونہ آلہا اگر تم پیغمبروں کی بات کو مان لیتے کبھی اللہ کے سوا کسی کو مشکل کشا نہ بناتے مرتا مرتا کیا کہہ رہا ہے سورت یاسین کا ترجمہ جا کے دیکھنا یہ شیعہ سنیوں کی کتاب نہیں یہ دیوبندی بریلیوں کی کتاب نہیں یہ عرش عظیم سے آیا ہوا قرآن کریم ہے محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پھیلا کر لیا ہوا قرآن کریم ہے نہ تیرے باپ کی کتاب ہے نہ میرے باپ کی کتاب ہے جاؤ ترجمے پڑھو شرک کرنے والوں نے پیغمبروں کو مارا اور جو حمایت میں آیا اس کو مارا وہ کہنے لگا اتخذ من دونہ آلہا خبردار تم اللہ کے ساتھ کسی کو کار ساتھ نہ بناؤ ای یردنی الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا ولا ینقذون واہ بڑے میاں لوہار کنڈا ہی کاٹ گیا بڑی پتے کی بات کہی ہے جو بیماری آج ہے امت میں
वो बीमारी मरता मरता आखिरी वक्त में बता गया, जता गया। और अल्लाह मियां को उस लुहार के मरते हुए बयान पर, जो उसने अपने खुदा को बयान किया है उस पर अल्लाह को प्यार आया, कुरान में नकल कर दिया, अल्लाह पाक को प्यार आ गया। खुदा की कसम, किसी के बयान पे प्यार आ गया, किसी की नमाज पे प्यार आ गया, किसी के सदके पे प्यार आ गया, किसी की रोटी के टुकड़े पे प्यार आ गया, किसी के एक अल्लाह कहने पर प्यार आ गया, उसकी मर्जी। मैं और आप अक्सर लोग हम 90-20% ये कहते हैं कि जी सब कुछ करने वाला तो अल्लाह मियां है, सब कुछ अल्लाह करता है, मगर कह के बीच में फाना ठोक लेते हैं, मगर ये भी तो अल्लाह के बंदे थे, ये बहावुल हक भी तो अल्लाह का वली था, ये फलां बुजुर्ग भी तो अल्लाह वाला था, मगर ये भी तो अल्लाह वाला था। इसलिए वो आखिरी वक्त में कहता है युरिदनिर रहमानु बिगुरिल्लाह, ओ लोगो याद रखो इस बात को, उस रब के सिवा कोई नफा नुकसान का मालिक नहीं। तुगनी अन्नी शफातुम, खबरदार अल्लाह की इजाजत के बगैर कोई सिफारिश करने वाला नहीं। यूरिदनिर रहमानु बिगुर्रिल्लाह तुगनी अन्नी शफातुम शय्यं वला युल्किदून। टोक दीवा। आजकल अक्सर औरतें, अक्सर मर्द इस बात पर आ जाते हैं, ठीक है अल्लाह भी सही, अल्लाह का कुरान भी सही, अल्लाह का नबी भी सही, मगर ये भी तो अल्लाह का बंदा है। और यकीन जानो, जब वही बंदा दुनिया में जिंदा हो, अल्लाह का कुरान लोगों को सुनाए तो कोई नहीं मानता, दुश्मन बन जाते हैं। और वही बंदा मर जाए, पक्की कब्र बन जाए, इतना बड़ा कुब्बा बनाकर खड़ा कर दे, फिर वही आधी खुदाई का मालिक बन जाता है। जिंदगी ने उसकी बात नहीं मानी, उसकी मुखालफत। कई मरतबा हजरत बहाउल हक ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह पर कातिलाना हमला हुआ इसी शहर में, कत्ल करने के मंसूबे बनाए, और जब फौत हो गए कब्र बना करके गद्दी नशीन बन के बैठ गए। अक्सर बुजुर्गों के साथ वाकयात पेश आए, बेशुमार अल्लाह वालों को कत्ल के मंसूबे बनाए और कितनों को कत्ल कर डाला। मरता मरता भी लोहे का काम करने वाला लोहार कहता है इन्नी आमंतु बिरब्बिकुम फस्मऊन। अरे तुम गुमराह हो, तुम राह भटके हुए हो, तुम शिर्क की लानत में गिरफ्तार हो, तुम बिदातों में फंसे हुए हो, अल्लाह की तौहीद का रास्ता तुमने छोड़ा हुआ है, और उल्टा बद बताने वालों को, पैगंबरों को मारते हो, तुम्हारी बदबख्ती है। अल्लाह मियां ने नकल कर दिया। वो कहने लगे, देखा फिर नबियों का हिमायती बन के आया था, रसूलों का हिमायती बन के आया था, पैगंबरों का हिमायती बनकर आया था, देखा मजा चखा के नहीं, अब वो मर रहा है, दम निकल रहा है। खुदा की कसम आवाज आई, ओ मरने वाले ये बाईस मैं तेरे सामने कर देता हूं, जरा इनको बताता जा। दम निकलने से पहले अपना मकाम बताता जा, अपना ठिकाना बताता जा। कहता कील अदखुलिल जन्ना, आवाज आई, अभी सांस आ रहे थे आवाज आ गई, दाखिल हो जा जन्नत में। अब वो बेचारा कहता है قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين। ओ लोगों मैं तुम्हें क्या बताऊं, अल्लाह मियां ने मेरी खताओं को माफ कर दिया, अल्लाह ने मेरे गुनाहों को बख्श दिया, वजालनी من المكرمين। रब अकबर की कसम, मुझे मरने से पहले इज्जत वाला बना दिया। कुरान करीम ये सारी चीजें हमें इसलिए सुनाता है कि हम हर उस बीमारी का इलाज करें जो पहले लोगों में थी। शिर्क की बीमारी आई, जादू की बीमारी आई, किसी शक्ल में भी आए, पैगंबरों के हिमायतियों को अल्लाह ने कामयाब किया, पैगंबरों के दुश्मन हमेशा जलीलो खार। ये अलग बात है कि कुछ वक्त लग जाए, जिसने भी पैगंबर की दुश्मनी की वो मारा गया, जिसने मोहब्बत की वो कामयाब हो गया।
उलमाए किराम ने तफसीर में लिखा है कि इसकी क्या वजह हुई कि हजरत आसिया जो फिरौन के घर में थी वो तो जन्नती बन गई, और जिसके घर में पले फिरौन वो उसका बेड़ा गर्क हुआ, वो जलील खार होके मरा, इसकी क्या वजह है। तो उलमाए किराम ने लिखा है कि हजरत आसिया ने मूसा अलैहिस्सलाम को गोद में लेकर जब पेशानी को प्यार से चूमा और बोसा दिया, आवाज आई, ओ मेरी आसिया, ओ मेरी बंदी, मेरे नबी को चूमने वाली मैं तुझे जन्नत में पहुंचा दूं, मेरे नबी को चूमने की बरकत से, मेरे नबी की पेशानी पर बोसा देने की बरकत से मैं तुझे ईमान की दौलत अता करूंगा। और कितनी बड़ी दौलत मिली इन पैगंबरों की हिमायत में, तो ये बेचारा लोहार मारा गया, मूसा अलैहि सलाम की हिमायत में हजरत आसिया मारी गई, घर में पाला, घर में संभाला, घर में रखा। मूसा अलैहि सलाम ने हजरत आसिया के दिल में अल्लाह की तौहीद बिठा दी। खुदा की कसम, ऐश करने के बाद दुख उठाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, राहत तो आराम सुकून की जिंदगी बसर करने के बाद तलख जिंदगी बड़ी मुहाल हो जाती है। शाही महल में रहने वाली, तख्तों पे सोने वाली, जवाहरात को ताज ओढ़ करके सोने वाली, गुलामों और बांदियों में रहने वाली, मनो फूलों की सेजों पे सोने वाली आसिया जब अल्लाह की तौहीद दिल में आई, फिरौन ने पकड़ा। कुरान मजीद कहता वा फिरऔन दिल औतादिल लदीना तगौ फिल बिलाद, हजरत आसिया के एक एक हाथ में सौ सौ में गाड़ दी, एक एक हाथ में। मलका है बादशाह की, कोई चूड़ी चमारी नहीं, कोई आम औरत नहीं, मगर ईमान की ताकत ने इतनी कुव्वत दे दी, कांटा की बजाय आदमी तलमिला उठता है, पांव में कांटा लग जाए दिमाग फिर जाता है। आसिया तेरे अंदर कितना ईमान आ गया होगा कि सौ सौ पांव में से इस हाथ में और सौ में से इस हाथ में गाड़ कर फिर और सामने खड़ा है, और कहता आसिया अब भी बाज आ जा, इनकार कर दे ईमान का, तौहीद का इनकार कर दे, मुझे खुदा मान ले, तख्त मिलेगा, लिबास मिलेगा, ऐश मिलेगी। आसिया कहती हो कमीने ये सब आरजी है, खुदा की कसम जो अल्लाह पाक मुझे जन्नत देगा मेरी आंखों के सामने खुली हुई नजर आ रही, मुझे और आपको पता नहीं कि तौहीद की कितनी बड़ी ताकत है। वो बजात खुद कितना ताकतवर होगा जो अपने बंदों में इतनी ताकत अता कर देता है। सारा मुल्क, सारे मुल्क की फौज, सारे मुल्क की पुलिस, पूरी मुलाजिम दुनिया, पूरी संसार आवाम हर एक तरफ है, एक फिरौन की घरवाली मूसा अलैहि सलाम का बताया हुआ कलमा पढ़ती है, छुड़ाने के लिए सब कुछ जोर लगा लिए। हदीस पाक में आता है अल्लाह पाक के नबी ने तारीफ फरमाई, फरमाया आसिया इमरात फिरौन इतने मजबूत वाली औरत थी कि उसका कीमा तो बन गया मगर ईमान ना, ईमान का सौदा ना। बताइए रहा था कि हम छुट्टी कर गए, अब रमजान शरीफ के बाद छुट्टी कर गए, नमाजों की भी, रोजों की छुट्टी तो अल्लाह ने की, नमाजों की हमने कर दी कि चलो जी अब तो साल भर के बाद फिर देखी जाएगी, और अगर साल के बीच में मौत आ गई तो बेनमाज होके मरेगा, ये चंद दिन की नमाज का कुछ नहीं बनता, घर से हारे दिल अदा कर तुमको मजबूर कर दे, वो नहीं सोने देती, वो नहीं बैठने देती, वो नहीं आराम करने देती जब तक अल्लाह के हुजूर में सर ना चुका है। तो खुदा बंद करीम है पैगंबरों के उस हमायती की बात नकल करके बता दिया कि तुम में से जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग की, कानून खुदाबंदी की हिमायत करते हुए गालियां खाएंगे उस पर भी अजर मिलेगा, मार खाएंगे उस पर भी अजर मिलेगा। जैसा कि वो कहता قال يا ليت قومي يعلمون, ऐ मेरी कौम के लोगों, ऐ मेरी बरादरी के लोगों, ऐ मेरे मुल्क में बसने वालों, ऐ मेरे शहर बस्ती वालों, आकाश तुम देख लेते बीमार पर अली मेरे गुना मेरे रब ने किस तरह माफ कर दिए, वजालनी मिनल मुकरमीन, मुझे कितना इज्जत वाला बना दिया, कितना इज्जत का मालिक मुझे अल्लाह पाक ने बना दिया है। कहता है काश तुम देख लो मुझे कितना खुदा ने कितना नवाज दिया, मेरे मरने की देर थी, कीलत खुलिल जन्ना, आवाज आई आप इसमें दाखिल, या हसरत अलल इबाद, और मेरे बंदो अफसोस है तुम मुझ खुदा के कुरान से यकीन नहीं करते,
गवर्नर अगर कोई ऑर्डिनेंस जारी करे वो ये कह सकता है कि तुम्हें पता नहीं चला ये कानून आ चुका है, तो खुदा को ये हक हासिल नहीं कि वो ये कहे कुरान सुनाया सूरत यासीन सुनाई फरमाया हसरतन अलल इबाद और डूब के मर जाओ मेरे बंदे कहलाते हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती मेरा दिया हुआ खाते हुए मेरा दिया हुआ पीते हुए मेरी देन में से पहनते हुए मेरी दी हुई बीवी तूने इस्तेमाल की औलाद मैंने दी आंख नाक कान शक्ल सूरत मैंने दिया सब कुछ मैंने दिया या हसरतन अलल इबाद माया पी ही मिल रसूल। मेरे पैगंबरों का मजाक उड़ा है मेरे दीन की बात का ठट्ठा उड़ाते हो तबस्कुर उड़ाते हो तुम्हें शर्म नहीं आती। फरमाया जाओ एक वक्त आएगा वइन कुल्लु लम्मा जमीउल लदैना मुहज़रून, हाँ उससे पहले फरमाया अलम यरौ कम अहलकना क़ब्लहुम मिनल क़ुरून अन्नहुम इलैहिम ला यर्जिउन, याद रखो तुमसे पहले मैंने कितनों का कांटा निकाल दिया तुमसे पहले मैंने कितनों को बर्बाद कर दिया, जाओ मुलक के मुलक जाके देखो शहर के शहर जाके देखो खंडरात मिलेंगे आदमियों का निशान कोई नहीं, कर सकता हूँ और तुम्हें भी कर दूंगा अगर बाज नहीं आओ। तो ये पुरानी नसीहत है पुरानी तबलीग है कुरान का वाज है कुरान करीम का बयान है, हर आदमी को यकीन करके तमाम चीजों से तौबा करनी चाहिए, ना मालूम किस वक्त बुलावा आ जाएगा, अल्लाह पाक मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।